हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 11 अक्टूबर दिन बुधवार है, वह हिंदी में अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या सांसद हो या फिर विधायक हो, किसी को भी स्वेच्छा अनुदान नहीं दे सकेंगे। इस पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक रहेगी। वहीं कोई नया काम भी अब आरंभ नहीं होगा, भले ही वह स्वीकृत ही क्यों न हो गया हो। इसके अलावा पहले से चल रही लाडली बहना सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाएं जारी रहेगी। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि अब नए हितग्राही नहीं जुड़ेंगे, लेकिन लाडली बहनों को चुनाव के दौरान भी किस्त मिलती रहेगी। दोस्तों कमलनाथ जी ने दोहराए हैं जनता से किए गए अपने वचन। कमलनाथ जी ने चुनाव में जनता से किए गए अपने 11 वचन दोहराए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनता के साथ 11 वचनों की सौगात है। दोस्तों 11 वचनों में निम्नलिखित हैं। पहला है, महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिया जाएगा। दूसरा है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं तीसरा है, 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और 200 यूनिट बिजली हाफ रहेगी। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ़ होगा। वहीं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इसके अलावा किसानों को 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री मिलेगी। वहीं किसानों के बिजली बिल भी माफ़ किए जाएंगे और OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सरकार बनने पर जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। वहीं किसानों के मुकदमे वापस होंगे। इस प्रकार से 11 वचन कमलनाथ जी ने दिए हैं, जो सरकार में आते ही पूरे किए जाएंगे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की 34वीं सूची पर कांग्रेस ने साधा बड़ा निशाना। आप सभी को मालूम होगा कि BJP ने अपनी 34वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें विधानसभा उम्मीदवारों के नाम हैं। 57 उम्मीदवारों के नाम सहित यह लिस्ट जारी हुई है, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, PWD मंत्री गोपाल भार्गव सहित 24 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। वहीं सभी मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया गया है। इन नामों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सर्वे में जिनकी हार तय बताई जा रही है, BJP ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। इससे लगता है कि मामला अब गंभीर है, अर्थात BJP हारने वाली है। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि आने वाले शुभ दिनों में कांग्रेस की सूची आएगी और भाजपा के ना उम्मीदवारों को हार का स्वाद चखाएगी। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अब अटकलें हो गई हैं तेज, अर्थात वे शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां से स्थानीय विधायक, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं खेल मंत्री के चुनाव न लड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने उनसे अपील की है कि वे शिवपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ें। इस संबंध में यशोधरा राजे सिंधिया जी ने संगठन को चिट्ठी भी लिखी है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से यशोधरा राजे सिंधिया के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भाजपा मैदान में उतार सकती है। यदि ऐसा होता है तो सिंधिया जी की बुआ का सिंधिया जी के लिए बड़ा बलिदान होगा। दोस्तों कांग्रेस नेता ने बड़े बिगड़े बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुधर जाओ SP कलेक्टर, सरकार आने पर आपको थाने में लटका दूंगा। दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने बड़ा उल्टा बयान दिया है। उन्होंने भिंड जिले में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी SP कलेक्टर सुधर जाएं। अर्थात उन्होंने कहा है कि जनता पर अत्याचार करने वाले अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें थाने में उल्टा लटका दिया जाएगा। इस प्रकार कांग्रेस नेता ने क्लास 1 ऑफिसरों के लिए बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बालाघाट वासियों ने रेलवे से मांग की है कि बालाघाट से भोपाल रायपुर के लिए चलाई जाए ट्रेन। वहीं बालाघाट जिले के रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर गंभीर रेलवे सलाहकार समिति ने बैठक की है। इसमें बालाघाट से भोपाल और रायपुर के लिए सीधी ट्रेन के साथ ही ट्रेनों के समय में परिवर्तन, आरक्षण काउंटर में आरक्षण में लगने वाले समय, स्टेशन की साफ सफाई सहित रेल यात्रियों से जुड़े अन्य विषयों को प्रमुखता से रखा गया है। यदि इस विषय को पास कर दिया जाता है तो बालाघाट से भोपाल और रायपुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी के द्वारा दिए गए 12 नाम रिजेक्ट कर दिए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने श्री कमलनाथ जी द्वारा भेजे गए उन 12 नेताओं को रिजेक्ट कर दिया, जिन्हें चुनाव में कांग्रेस पार्टी का
अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के लिए स्ट्रांग रिकमेंडेशन दी गई थी, अर्थात जो उम्मीदवार जीतने वाले थे उन्हीं उम्मीदवारों को राहुल गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी, अर्थात किसानों के ही हाथों में है कि कौन सी सरकार बनेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में उच्च कृषि उत्पादन और खेती से नियमित आय सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रमुख वोट कैचर थे, अर्थात किसान ही उनके वोट बैंक थे। लेकिन इस बार स्थिति अलग दिख रही है। वहीं कृषि उत्पादन की वृद्धि दर धीमी हो गई है, अनियमित मानसूनी बारिश के कारण सूखे की स्थिति भी पैदा हो गई है जिससे किसान नाराज हो गए हैं। वहीं अगस्त और सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश हुई थी जिससे सोयाबीन, कपास और दलहन समेत कई फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, उसका भी अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोयाबीन की खेती प्रदेश में 55 से 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। वहीं देश भर में जितना सोयाबीन का उत्पादन होता है उसमें आधी हिस्सेदारी अकेले मध्य प्रदेश की है। लेकिन सोयाबीन उगाने वाले किसान भी प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं जिसमें सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, अर्थात अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों का आक्रोश सरकार के प्रति कितना गहरा हो सकता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसानों की आय घटी है जबकि किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, अर्थात भाजपा के लिए यह चुनाव थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकता है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन प्रदेश के किसान हैं वे बिल्कुल सोच समझ के अपने विवेक से मतदान करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उनके साथ क्या किया और बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।